हमीरपुर जिला के नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में बिहार के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। रंजिता रंजन ने प्रदेश की गिर रही डीजीपी पर चिंता जाहिर करते हुए इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की जीडीपी 1 से 1.5% और गिरेगी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय की बातें करने वाली बीजेपी आज अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। इस अवसर पर रंजिता रंजन ने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि रेलवे ट्रैक बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मंत्री बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक की घोषणाएं मात्र कोरी ही रह रही हैं, जिसे जनता को समझना चाहिए। कांग्रेस से प्रभारी रंजिता रंजन नदौन में कांग्रेस सम्मेलन में पहुंची थी और इस अवसर पर रंजिता रंजन ने केंद्र सरकार के अलावा सांसद अनुराग ठाकुर पर भी तीखे हमले करके जनता के सामने बातों को रखा और चुटकुलों के माध्यम से भी जनता को समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जिस तरह से पूरे देश को 2% जीडीपी गिराकर जब मनमोहन सिंह जी सदन में कह रहे थे ये सरकार की संगठित लूट है नोटबंदी, तो मोदी जी बहुत अहंकार में पार्लियामेंट के अंदर एक पूर्व प्रधानमंत्री को, जिनके बारे में कहा जाता है कि चांद पे दाग नहीं हो सकता है लेकिन मनमोहन सिंह जी पे नहीं, कहा कि मनमोहन जी आपको तो गुसलखाने में रेनकोट पहन के नहाने की आदत है, मतलब आप भ्रष्टाचार भी हुआ आप नहीं भीगे। और आज फिर वायरल हो रहा है मोदी साहब मनमोहन सिंह जी के बाथरूम में झांकने से बेहतर था उनकी लाइब्रेरी में झांके होते तो देश की ये 2% जीडीपी नहीं दिखती और ये हालात नहीं। और अब फिर मैं कहूंगी कि वही मनमोहन सिंह जी ने और रघुराजन जी ने फिर देश को आगाह किया है कि जीडीपी अभी भी 1 से 1.5% तक और गिरेगी। जो आपकी सड़कें बनती है, जो अनुराग ठाकुर बोल के चले गए कि रेलवे का ट्रैक बनाएंगे लेकिन हफ्ते में 5 एक्सीडेंट होते हैं, मंत्री बदल दिए जाते हैं लेकिन इनसे ट्रैक नहीं संभलते हैं।